दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों राज और मुजीर खान की कातिलाना गेंदबाजी के बाद आया अफ्रीकी गेंदबाजों का कहर। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए सेमीफाइनल मैच में राज और मुजीर खान के तूफानी गेंदबाजी के बाद मेजबान अफ्रीका के गेंदबाजों ने अपनी शानदार गेंदबाजी से मैदान पर ऐसा कहर बरसाया जिसके सामने भारतीय टीम घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गई। तो आखिर कैसे साउथ अफ्रीका की टीम के सामने सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने घुटने टेक दिए, ये तो आपको बताएंगे। साथ में इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार का अंडर 19 वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीत सकती है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों अंडर 19 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका की धरती पर खेला जा रहा है, जहां पर इस अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल के दौरे में आज पहला सेमीफाइनल मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विलोमोर पार्क बनानी में खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान उदय शाहरान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए मेजबान साउथ अफ्रीका की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए प्रिटोरियस और स्टीव ने की, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत राज ने की। इस दौरान प्रिटोरियस ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी पांचवी गेंद पर एक रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला। हालांकि पहले ओवर के अंदर एक रन देखने को मिला, जिसके बाद दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए नमन तिवारी आए, जिन्होंने टूर्नामेंट के अंदर अभी तक काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी की थी। इस दौरान नमन तिवारी के सामने दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करने का प्रयास किया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर बल्लेबाज स्टीव ने चौका लगाकर अपना खाता खोला। इस ओवर के अंदर 6 रन के साथ गेंदबाज को बैकफुट पर डालने का कार्य कर दिया। हालांकि दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बीच 5 ओवर में राज के सामने स्टीव ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए इस मैच का अपना और अपनी टीम का पहला छक्का लगाया और बता दिया कि आज इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिलने वाली है। लेकिन छक्का खाने के बाद राज ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए 23 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका की टीम को पहला झटका दिया। इस दौरान उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज स्टीव को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे राज ने बल्लेबाजी स्टीव को अरावली अवनीश के हाथों कैच चलते आउट किया। इस दौरान बल्लेबाज स्टीव 17 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 14 रन बनाने के बाद पवेलियन को लौट गए। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए डेविड टाइगर मैदान पर आए, जिन्होंने पहली गेंद पर सम्मान देते हुए स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाया, तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे प्रिटोरियस ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी। इस बीच उन्होंने नमन तिवारी के सामने 8 ओवर में तहलका मचाया और अपना खतरनाक प्रदर्शन करते हुए 1 छक्का और 1 चौका लगा के साथ 15 रन ओवर में बटोर लिए। लेकिन इस बीच 9 ओवर में राज ने साउथ अफ्रीका की टीम को दूसरा झटका 46 रन के स्कोर पर दे दिया। आपको बता दें, राज ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज डेविड टाइगर को 2 गेंद पर बिना खाता खोले अपनी रफ्तार भरी गेंदबाजी से क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में अब भारतीय टीम के सामने बल्लेबाजी करने के लिए और अपनी टीम को संभालने के लिए रिचर्ड मैदान पर आए। इस दौरान रिचर्ड ने अपनी चौथी गेंद पर 1 रन के साथ अपना खाता खोला, तो वहीं पावर प्ले के अंदर अंतिम ओवर में गेंदबाजी का बदलाव करते हुए मुरुगन अभिषेक को गेंदबाजी के लिए बुला लिया गया, जिन्होंने अपनी फिरकी का कहर बरसाने का प्रयोग किया। लेकिन प्रिटोरियस ने छक्का लगाकर ओवर में 8 रन बटोरे और स्कोर कार्ड को 50 रन के पास पहुंचाया। इस दौरान पावर प्ले में 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका की टीम ने बनाए और इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने आगे बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाल लिया। तो वहीं 12 ओवर में गेंदबाजी में अब बदलाव करते हुए कुलकर्णी आए, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर के अंदर मात्र 2 रन दिए, तो वहीं 13 ओवर में गेंदबाजी में एक बार फिर से बदलाव हुआ और गेंदबाजी के लिए स्वामी पांडे को बुलाया गया, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर के अंदर मात्र 2 रन दिए, तो वहीं दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस दौरान 19 ओवर में बल्लेबाज प्रिटोरियस ने 59 गेंद पर 1 रन के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वहीं 21 ओवर के अंदर गेंदबाजी में एक बार फिर से बदलाव हुआ और सरफराज खान के भाई मुशीर खान को बुलाया गया। उन्होंने इस ओवर के अंदर एक भी रन नहीं दिया और मिडन ओवर डालकर सभी को प्रभावित कर दिया। तो वहीं 22 ओवर के अंदर दूसरे गेंदबाज मौलिया को बुलाया गया, जिन्होंने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी करते हुए एक भी रन नहीं दिया और मिडन ओवर डाल दिया। इस दौरान भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी कर विरोधी टीम के ऊपर दबाव डालने का कार्य किया, लेकिन इस बीच 31 ओवर में 72 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी को मुशीर खान ने तोड़ दिया। इस दौरान उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज प्रिटोरियस को मुरुगन अभिषेक के हाथों कैच आउट कराया।
इस दौरान बल्लेबाज प्रिटोरियस 102 गेंद पर 6 चौके और 3 छक्के की मदद से 76 रन बनाकर कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ओलिवर व्हाइटहेड मैदान पर आए, जिन्होंने 1 रन के साथ अपना खाता खोला और टीम को संभालने का प्रयास किया। दोस्तों वहीं व्हाइटहेड 40 ओवर में मुशीर खान की गेंद पर रचिन दास के हाथों 34 गेंद पर 4 चौके की मदद से 22 रन बनाकर कैच आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए देवान मराइस आए तो दूसरी तरफ से 42 ओवर में रिचर्ड ने अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं 43 ओवर में सोमी पांडे ने देवान मराइस को 7 गेंद पर मात्र 3 रन बनाने के बाद अभिषेक के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान जेम्स आए तो दूसरी तरफ से रिचर्ड्स ने अर्धशतक लगाने के बाद 47 ओवर में 100 गेंद पर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 64 रन के स्कोर पर अपना विकेट नमन तिवारी की गेंद पर प्रियांशु के हाथों में दे दिया। और अब बल्लेबाजी करने रिले नॉर्टन आए तो दूसरी तरफ से कप्तान जेम्स 19 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 24 रन बनाने के बाद बल्लेबाजी करने ट्रिस्टन आए, जो 12 गेंद पर 1 चौके और 2 छक्के की मदद से 23 रन बनाकर नाबाद रहे। तो दूसरी तरफ से रिले नॉर्टन 7 गेंद पर 1 चौके की मदद से 7 रन बनाकर नाबाद रहे। और इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने 244 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए। इस दौरान राज ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए तो वहीं मुशीर खान को 2 विकेट मिले। इसके अलावा सोमी पांडे और नमन तिवारी ने 1-1 विकेट हासिल किया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से लक्ष्य का पीछा करने के लिए सलामी जोड़ी के रूप में आदर्श सिंह और कुलकर्णी मैदान पर आए। तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत मापाका ने की, जहां पर उन्होंने पहली गेंद के अंदर बल्लेबाज आदर्श को गोल्डन डक के रूप में प्रिटोरियस के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने मुशीर खान आए, जिनको 4 ओवर में ट्रिस्टन लूस ने मुशीर खान को 12 गेंद पर 4 रन बनाकर कप्तान जेम्स के हाथों कैच आउट कराया। और अब कप्तान उदय सहारन मैदान पर आए, लेकिन इस बीच कुलकर्णी भी पावर प्ले के अंतिम ओवर में ट्रिस्टन लूस के सामने 30 गेंद पर 1 छक्के की मदद से 12 रन बनाकर कप्तान जेम्स के हाथों कैच आउट हुए। और अब बल्लेबाजी करने प्रियांशु मौर्य आए, और इसी के साथ पावर प्ले में भारतीय टीम ने 12 ओवर में 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए। और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि भारत इस मैच को हार जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस मैच में भारतीय टीम की हार की असली वजह क्या रही? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच में मिली हार के बाद बौखलाए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जब बेईमानी का आरोप लगाते हुए टीम इंडिया को दी धमकी, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे में अब उनकी धमकी को सुनकर खुद कप्तान रोहित शर्मा ने उनको सबक सिखाने का बनाया प्लान और दिया अपने तीखे शब्दों से करारा जवाब। तो आखिर क्यों दूसरे टेस्ट मैच के बाद छिड़ गई दोनों खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग? ऐसा क्या बेन स्टोक्स ने कह दिया कि बौखला गए रोहित, फिर उन्हें आईना दिखाते हुए सुना दी खरी खोटी? दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई जुबानी जंग का पूरा वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और बेन स्टोक्स में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया, और इस मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को इस मुकाबले में 106 रनों से हराकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। इस टेस्ट मैच में पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक लगाया, तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने भी 6 विकेट झटके, साथ ही पूरी दूसरी पारी में भारत के लिए शुभमन गिल ने शतक ठोका।